मम्मी चाची की चैट <laughs> हेलो जी हेलो यू डर्टी नॉटी फैलोस। देखो तुम्हारा दिल भी कितना नॉटी हो रहा है इस लल्ली की फोटो देख के ये अपने हस्बैंड के साथ है इतनी ज़्यादा आंखें घूर घूर के ना देखो इसका नाम है करिश्मा तन्ना आज कल इसकी फोटो जो है सोशल मीडिया में छा रही है और ये कहते हैं कि बड़ी रोमांटिक सी हो रही है हस्बैंड है के साथ और जिस तरह से इसने फोटो खिंचाई है अभी शादी हुई है इसकी अब इसनेश शादी रही उसके बाद जिसे कहते हैं कि इसको लगा कि हनीमून की खबरें तो कुछ खास वायरल हुई नहीं तो चलो पूल में उतर के ये जो फ़ोटो है ये डालती हूँ तो लोग समझ जाएंगे कि अभी हनीमून चालू है पर बात ऐसी है कि ये जो करिश्मा तन्ना है ना ये वैसे तो बड़ी पुरानी एक्ट्रेस है बॉलीवुड में भी और जिसे कहते हैं कि टीवी में भी क्योंकि इसने 2001 में क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में काम किया था पहली बार तो इसका जो एसोसिएशन है ना तुम्हारा जिसे कहते हैं एकता कपूर के साथ काफ़ी पुराना है इसीलिए जब इसकी शादी हुई तो इसकी शादी में एकता कपूर एंड टेलीविजन फैमिली के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आए थे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन देखो जिसे कहते हैं ना जिंदगी में ये इसने कभी हार नहीं मानी अब रियलिटी शोज की भी अगर बात करें बिग बॉस एट में आई थी तो इस इसके वहाँ पे जिसे कहते हैं कि अफेयर की खबरें चली थी बिल्कुल उपेन पटेल के साथ क्योंकि ये क्रिश्मा तन्ना जो है ना ये भी गुजराती है उपेन पटेल भी गुजराती है बाहर का बिजनेसमैन है तो इसने सोचा कि चलो अभी उम्र तो काफी हो रही है तो चलो यहीं पर थोड़ा इश्क इश्किलड़ाएं चलो इश्क लड़ाएं तो इसका बिग बॉस एट में जिसे कहते हैं उपेन पटेल के साथ जो था इसका टाका भिड़ा और इसकी डेटिंग की खबरें आई फिर 2014 में इसने किया बिग बॉस और 2016 में इसका रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि शायद ये दोनों शादीवादी करेंगे लेकिन फिर 2016 में दो साल बाद ही इसने ब्रेकअप हो गया था इन दोनों का फिर उसके बाद इसको लगा कि बाहरें ज़िंदगी की ख़त्म सी हो रही हैं तो फिर इसने दो में जिसे कहते हैं कि मुंबई का ही एक रियल इस्टेट का बिजनेस है वरुण बंगेरा उसके साथ इसकी डेटिंग चालू हुई फिर इसने चुपचाप से जिसे कहते हैं मतलब पता चल रहा था लोगों को कि कुछ चल रहा है कुछ पक रहा है दोनों के बीच में लेकिन इन्होंने बताया नहीं लेकिन फिर फाइनली पता चला और ऐसे पता चला कि इन दोनों ने शादी कर ली मतलब कि फरवरी में इन्होंने शादी करी है पाँच फरवरी दो को और इनकी जो खबरें आ रही थी कि डेटिंग वेटिंग चल रही है ये जनवरी और दिसंबर विसम्बर से ही चलनी शुरू हुई और बड़ी जल्दी इन्होंने शादी भी कर ली लेकिन मैं ये कहती हूँ लड़की हार नहीं मानती उपेन पटेल के बाद भी इसने सोचा नहीं कि ज़िंदगी के बारे में भी कभी कम हो सकता है इसने शादी कर ली फटाफट से उसके बाद शादी करने के बाद अब जैसे कहते हैं हनीमून पीरियड चालू है बाकी अगर बात करें तो मैंने तो इसको जब फिल्म में देखा था ना संजू में तो संजू में जो इसका करेक्टर था जब मैंने देखा फ़िल्म में तो मुझे बड़ी सोनी सी कुड़ी लगी है। जब ये जब इसको संजू का दोस्त जो है वो संजू से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने के लिए लेके आता है तो बड़ी शाई सी दिखाई दे रही थी और बड़ी जैसे कहते हैं कि लग रही थी कि कितनी सोनी कुड़ी है और जिसे कहते हैं कि संजू के दोस्त की जो फैमिली है और संजू के दोस्त को जिसे कहते हैं कि बड़े अच्छे से संभाल लेगी लेकिन पिंकी जो थी यानी कि जो संजू के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसके बाद इसने संजू से जिस तरह से टाँका बढ़ाया तो बड़ा अजीब सा लगा पर जो भी है फिल्म तो फिल्म ही होती है लेकिन जिस तरह से खतरों के खिलाड़ी करती है नचबलिए में डांस करती है और झलक दखलाजा में भी डांस वांस करती है अपने आप में ये लल्ली जो है टैलेंटेड तो है पर यह है कि शादी तो काफ़ी लेट करी है इसने अड़तीस साल की उम्र में अगर कोई शादी करेगा तो आप समझ ही सकते हो कि अब जिंदगी में आगे शादी के अलावा और कुछ बचा ही नहीं तो एंड मोमेंट पे आके चलो सोचा कि शादी कर लें तो खैर जो भी है हम लोगों की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि करिश्मा तन्ना को शादी की बड़ी बड़ी मुबारकबाद दें और हनीमून पीरियड जो है अच्छे से इन्जॉय करें और कोई न्यूज़ लेटेस्ट अगर आती भी है इनके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह की आएगी फ़िलहाल मैं तो ये कहती हूँ कि न्यूज़ की अगर बात है तो मुझे कुछ और भी न्यूज़ इकट्ठी करनी है आपको बतानी है फ़िलहाल तो मैं चली तुम जरा इन्जॉय करो फोटो वोटो और देखो नेट पर क्या क्या फ़ोटो हैं ऐसे कि तुम्हें मज़ा आएगा मैं चलिए ओके बाय बाय